गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट अवर सेकेंड चैप्टर, सेकेंड टॉपिक जॉइन द डॉट्स एंड मेक ए स्टैंडिंग लाइन। अब हम बच्चों, हमारा दूसरा जो चैप्टर है, दूसरी जो एक्सरसाइज है, वो है हमारा कि स्टैंडिंग लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। इन डॉट्स को ट्रेस करते हुए, इन डॉट्स पे पेंसिल ट्रेस करते हुए हमें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, एक सीधी खड़ी रेखा, ठीक है ना। स्टैंडिंग लाइन को क्या बोलते हैं, सीधी खड़ी रेखा। देखिए किस तरह से ड्रॉ करेंगे बच्चों। पुट योर पेंसिल ऑन फर्स्ट डॉट। सबसे पहले हम अपनी पेंसिल को यहाँ फर्स्ट डॉट पे रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ रखते हैं। उसके बाद ये जो डॉट्स दिए हैं उसको ट्रेस करते हैं बिल्कुल अच्छे से, धीरे से, और सेकंड डॉट तक लेके आते हैं, ठीक है ना। पेंसिल से हम इसको जब डॉट्स को ट्रेस करेंगे बच्चों, तो बिल्कुल एक सीधी लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, एकदम सीधी खड़ी रेखा ड्रॉ होगी, है ना। इसको बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन। फाइन, फिर से देखिए ये दो डॉट्स दिए हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो हम ऊपर फर्स्ट पेंसिल यहाँ से कर रखेंगे और फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेकंड तक, ठीक है। तो ये क्या बन गई, स्टैंडिंग लाइन बन गई। क्या बन गई बच्चों, ये स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। कैसे बनेंगे, हमने यहाँ हमने अपनी पेंसिल रखी और इन डॉट्स को ट्रेस करते हुए नीचे सेकंड डॉट पे लेके आएंगे, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ अप टू डाउन, ऊपर से लेके नीचे के, नीचे की तरफ ऐसे अप टू डाउन, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये क्या बनती है बच्चों, एक स्टैंडिंग लाइन कहलाती है। क्या कहलाएगी, ये स्टैंडिंग लाइन जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेस किए, ठीक है। तो इस तरह से स्टैंडिंग लाइन का आप फुल पेज कंप्लीट करेंगे। ये हम डॉट वर्कबुक में वर्क कर रहे हैं बच्चों, और डॉट वर्कबुक आप अपनी प्रीवियस क्लास में भी सीख के आए हैं, ठीक है ना। डॉट वर्कबुक आपने प्रीवियस क्लास में भी सीखी होगी, करी होगी, तो आपको ये लाइंस ड्रॉ करने अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। और अगर नहीं सीखा है तो अभी इस एलकेजी क्लास में फिर से आप ये डॉट वर्कबुक जब कंप्लीट करेंगे तो आपको ये लाइंस ड्रॉ करना आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए अच्छे से किस तरह से आपको ये लाइंस ड्रॉ करनी है। स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करनी सीखी थी, स्लिपिंग लाइन, ठीक है ना। सबसे पहले आपने स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी सीखी, और अब हम स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना सीख रहे हैं। इस तरह से एकदम सीधी स्ट्रेट रेखा खींचेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। कैसे बना रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये बनती है स्टैंडिंग लाइन, जिसको हम वन भी बोलते हैं, जैसे हम वन लिखते हैं ना, वन मैथ में, उस तरह से। तो ये स्टैंडिंग लाइन होती है। आप भी अपना ये पेज कंप्लीट करेंगे बच्चों, स्टैंडिंग लाइन का फुल पेज कंप्लीट करना। इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे, लाइंस टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए बच्चों, आपकी लाइंस जिगजैग नहीं बनी और लाइंस डॉट से बाहर नहीं जाए। इन डॉट्स पे आपको ट्रेस करना अच्छे से, और एकदम स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, है ना, सीधी लाइन बननी चाहिए बिल्कुल। ये देखो, तो इसे कहेंगे हम स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे चलाएंगे आप पेंसिल, और आप अपने आप करेंगे, ओके। ये आप जो लाइंस ड्रॉ करना सीख रहे हैं बच्चों, ये अपने आप करेंगे आप। आप अपने मदर फादर की हेल्प ले सकते हैं, बड़ों की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन करना आपको ही है ना। पेंसिल से ड्रॉ आपको ही करना है, आपको आना चाहिए खुद को ये सब बनाना। अगर लाइन्स में मिस्टेक होती है तो इरेज कीजिए। इस तरह से स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये लास्ट लाइन भी ड्रॉ करेंगे इस तरह से, स्लो, ओके। तो ये स्टैंडिंग लाइन का ये पेज कंप्लीट करने के बाद बच्चों, आप इसके पीछे वाला जो स्टैंडिंग लाइन वाला पेज है, ये भी पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पूरा खुद को कंप्लीट करना है, आपको आना चाहिए स्लिपिंग और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना। फाइन, ये आप खुद करेंगे अच्छे से। थैंक यू।